में तफसलात मुताबिक काउंटर कापेट राजौरी कुन पकन वाजी टेम्पू गाड़ कैंची मोड़स नजदीक ड्राइवर सिंध कोबू निश नबर ग सन खाई मज लाइन आम यमकिन तथ सवार अर्दा नफर जख्मी सपेद वक्त पत मुकामी लोको तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आए तथा जख्मी नफर जी एम सी राजौरी मुनसलिक हस्पताल वातना आम ये त्रे नफर जख्मन दग न वितरन कन फोत सपेद जन त्रेन हालत नाजुक वन इन मौसूम शुर् शामिल तो बन बहन जख्मी नफरन हालत बेहतर वन यप जख्मी मुसाफिरों तरफ वन आम तेज रफ्तारी कि आव यह हदस पेश सेकंड रुको। बकोरी से हम गाड़ी में बैठे हैं, हम आए से बढ़ाल से, तो ये आगे भी से दिन की खराब थी। कैंची मोड़ से जब आए तो ड्राइवर ने दूसरा टेम्पो क्रॉस हुआ तो स्पीड में उसने गाड़ी भगा दी। मैंने बोला उस्ताद को मतलब आस्ता चलो, तो उसने नहीं मानी। जब तेज चला तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई सर। जम्मू पे जा से काख नहीं लोड़ना, बस असे काख नहीं लोड़ना, सिर्फ जम्मू पे जा से गड्डी दिया मेरा बच्चा बची जाए, बस और काख नहीं लोड़ना। ड्राइवर बहुत तेज चलना सी, पहले गड्डी नाल गड्डी ठोकी, पीछे आदमी बदे मैं आस्ता चलो आस्ता नहीं आए, उन्हें और रेस दी गड्डी नाल आए अगे आनी ना ठोकी मोड़ पर। देखिए हमारे पास टोटल 18 इंजर्ड जो है वो रिपोर्ट किए थे एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में, जिनमें से तीन को हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग ने जो है मृत्यु घोषित किया, उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया हमने। तो बाकी वाले लोगों में से तीन जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनमें दो बच्चे हैं माइनर, और सभी लोग जो है उनको मल्टीपल इंजरीज हैं, पाली ट्रामा हुआ है उनको, हेड इंजरी कंपोनेंट्स भी है, चेस्ट इंजरी भी है, और ब्लंट ट्रामा एब्डामन या मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हैं। हमारा सभी स्टाफ जो है वो लगा हुआ है, मैं इसको खुद सुपरवाइज कर रहा हूं, तो मुझे पूरी आशा है कि हम ये जो जैसे पहले भी एक्सीडेंट होते रहे हैं और इस हॉस्पिटल के द्वारा बड़ी बेस्ट तरीके की मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड की जाती थी। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि ऐसे जो हादसे होते हैं उनमें हम कम्प्लीटली जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो या अन्य किसी भी प्रकार की जो है सेवाएं हों, वो हम फ्री ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि तीन लोग और ऐसे हैं जिनकी हालत अफसोसनाक बनी है, क्या इनको कहीं आगे रेफर करने की जरूरत है? अभी देखिए इसमें हम ये सभी लोग जो है अंडर ट्रीटमेंट हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, अभी सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह जो है वो चल रहा है, तो फिर मैं डॉक्टरों के साथ बैठ के हम ये निर्णय लेंगे कि अगर किसी को हायर फैसिलिटी। आई मीन सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन तरफ आवाज श्रीनगर में जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करना, तो एजाज में शामिल जिमदारों तरफ वन आम मजूरन हंदन हकूकन खिलाफ सरकारी हुक्मनामा कड़ान नाकाबिल कबूल सीपीआई पार्टी हिंद सीनियर लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी सिंह तरफ तथा मौकस पे कत करान तमो वो हुकूमत तरफ से बिजली प्राइवेटाइजेशन करने खातर पार्लियामेंटस में बिल पेश कर आम जम सत बिजली मखसूस नफरन कन्न यी तो आम लुक मुश्किल मज हैन तमो वो वन वंद यन तहम आज पे बिजली कटौत वन यम कि लुक आवलिनस मज हैन आमत बिजली को प्राइवेटाइज करने का बिल लाया है पार्लियामेंट में, गांधी भाई बोल रहा, और जिसका नतीजा यही होगा कि बिजली को मुनाफेखोरों के हाथों में बेच डाला जाएगा, और इस वजह से लाजिमी तौर पर जो बोझ है, पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बिजली की कमी है, और जहां तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है, आप खुद आप हमारे जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप
मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आपका आना जाना रहता है। आप ही बताइए, मौसम सरमा आना है और आमद के साथ ही बिजली गायब नजर आती है, कितनी कटौती की गई? अभी सरमा आने वाला है, आगे क्या होगा? लेकिन स्मार्ट मीटर के यही माने हैं कि मनमानी ढंग से अब इजाफा होगा फीस का, और उन इलाकों में भी जहां अभी बिजली का काफी किल्लत है और हमारे गरीब आवाम जिनके पास रोजगार भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, और वो इतनी फीस कैसे पेश कर ले, सरकार के खजाने में बेच डाले इस अंधेर नगरी में। तो इस वजह से ये एक एहतजाज है हमारी तरफ से, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को बंद करो और सारिफिन को बिजली मुहैया कर लो, ये हमारा मुतालबा है। और बिजली के जो जखायर हमें हमारी रियासत में, उनको बेचो मत, प्राइवेटाइज मत करो, ये हमारे वसाइल है और हमारा ही अधिकार है इन वसाइल पर, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का। मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर हसन मसूदी सिंह तरफ आवाज स्पाइस पार्क दसू पामपुरुक दौर कर दौरान तमो तथा मीटिंग साम हेत अत मौक पे बाकी जिम्मेदार तिम सतमो कत कान वोस तफरान पैदावार मुतासर सपजम तेज इरीगेशन सिस्टम छन वन तीक कर आमुत तमो एल जी इंतजाम पे जोर दुत मामलस कुन गुन यून दिन इस जफरान पैदावार मज हुरियल सपदे तो अत सबस्त लुकन ज्यादा खुद ज्यादा फायद वा। जैफरान की पैदावार ही मुतासर हुई और इसके क्या असबाब है? सबसे बड़ा ये है कि जो सैफरन मिशन बनाया गया था 500 करोड़ की लागत से, जो उस पर वो तकमील था कि इस रकम से ये सैफरन मिशन की तकमील होगी, वो सारा तकरीबन फेलियर है। अवलन जो स्प्रिंकल इरिगेशन का कंसेप्ट था वो कामयाब होने ही नहीं दिया गया, जो वेल्स थे वो फंक्शनल बनाए ही नहीं गए, और कहीं कहीं पर उन वेल्स के बनाने में भी बड़ी बड़ी शिकायतें मौसूल हुई। इसके अलावा जनाब, जिस इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनका पोल्यूशन है, जो लाइमस्टोन माइनिंग है उसका पोल्यूशन है, जो इमिशंस हैं, तो उससे भी एक तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई है और जो मॉइस्चर है वो रहा नहीं है और पैदावार मुतासर हुई है। तभी मैंने कहा ना, देखिए पहले जब ये कंसीव किया गया था ये प्रोजेक्ट, कोई 128 के करीब बोरवेल्स की उन्होंने पहले प्रोविजन रखा था, लेकिन वो नहीं फंक्शनल हुए, ऑपरेशनल नहीं हुए, और जो कंसेप्ट था स्प्रिंकल इरिगेशन का, जब ड्राई सीजन हो ताकि स्प्रिंकल इरिगेशन हो, उसके जरिए से ये पैदावार मौके पर बारिश अगर न हो तो पैदावार में कोई फ़र्क ना हो, वो तो जब ऑपरेशनल ही नहीं हुए, कहीं कहीं तो जो उसके केयर टेकर्स थे उनको तनख्वाह नहीं दी गई। और मेरा पहले सुझाव था, मेरा दूसरा या तीसरा विजिट होगा इस फैसिलिटी पर, मेरा सुझाव था कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक अलग से एक मैकेनिकल डिवीजन होना चाहिए, ताकि वो निर्भर ना करें, वो दारमदार उनका ना हो जो वाकई का जो मैकेनिकल डिवीजन है, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये पहले रोज़ अव्वल से ही इसको मिसडायरेक्ट किया गया और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? वो यहाँ के जो पामपोर की जो आबादी है, 4 अरब रुपए का ये यहाँ का कारोबार था यहाँ के आवाम का, और अब ये समेट कर मुझे लगता है कि एक अरब से भी बिल्कुल कम, अब ये इसको कई करोड़ तक आया होगा। नाज़रीन खबर नाम से जारी, यह सिनेमा वक्त जारी थी वक्फ़।